देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि कुतुब चारखी में 30/31 की रात्रि में एक हत्या हुई थी, और उसमें हमारे तीन इसमें नामजद मुजरिम थे। एक केशव देव था, अखिलेश था, एक और अन्य था। और एक स्पेसिफिक हमें सूचना मिली थी कि हिरन गांव से जरोली खुर्द रोड पे इनका मूवमेंट है। उस आधार पर हमारी टीम पहले से यहाँ पे घेराबंदी की थी और चेकिंग कर रही थी। दो संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पे दिखाई पड़े। तुरंत हमारी टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उसमें से एक ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, इसमें एक उसमें घायल हुआ। उससे पूछताछ से पता चला उसका नाम केशव है। तत्काल उसे हॉस्पिटल में उपचार हेतु भेज दिया गया है। उसके पास से एक नाजायज तमंचा बरामद हुआ है। साथ ही साथ दूसरा जो इसमें अभियुक्त अखिलेश था, वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है। हमारी टीम तलाश कर रही है। इसमें इससे पूछताछ तथा अन्य जो भी साक्ष्य मिलेंगे तो जाएगा। इसने पूछताछ में ये भी बताया कि रात में जो है कहते हैं जो हत्या हुई थी, इन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से किया था। जो कि इसमें केशव दो इसके साले की पत्नी जो इसमें उनका रेणु थी, वो उसकी पत्नी थी, और वो यहाँ के जब रहने लगा तो इसको नागवार गुजरा। इसके बाद ही उसने ये घटना कारित की।